हेलो गाइस, अगर आपके गूगल कैमरा से इस तरह की क्वालिटी वीडियो करना चाहते हो तो आपके पास एक बेस्ट गूगल कैमरा, साथ ही साथ बेस्ट सेटिंग और एक कॉन्फिग फाइल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज मैं कॉन्फिग फाइल कैसे सेट करना है एंड वो भी लेटेस्ट वर्जन है जो गूगल कैमरा 8.6, उसमें मैं सेट करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्या क्या सेटिंग्स होना चाहिए आपकी वीडियो में, दैट मीन्स आपका गूगल कैमरा पे, सब कुछ मैं इसमें करके दिखाऊंगा। तो आपको कॉन्फिग फाइल कैसे सेट करना है, इसके लिए आपको मोर सेटिंग्स पे जाना है, नीचे कॉन्फिग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सेट करना है। उसके लिए आपको लोड पे चले जाना है, ठीक है। लोड पे क्लिक करने तो आपका डाउनलोडिंग सेक्शन, जहां से आपने डाउनलोड किया होगा वहां पे आपको फाइल मिल जाएगा। तो वहां से आपको फाइल को बस सिलेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिग फाइल सेट हो चुका है आपके गूगल कैमरा। एंड इसका जो मेन काम रहेगा, आपका फोकसिंग बेस्ट देखने को मिलेगा यहां पे, जहां पे भी आप टैप करोगे वहां पे भी फोकस करेगा एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से। तो चलिए हम यहां पे गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड मैंने पहले आपको कॉन्फिग फाइल कैसे सेट करना है वो वाला सेक्शन मैंने दिखा दिया। एंड अभी मैं आपको बेस्ट सेटिंग करके दिखाऊंगा क्या क्या सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है गूगल कैमरा 8.6 वर्जन 10 में। एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन कॉमेंट पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको गूगल का जो ऑटो वाइड बैलेंस है इसे ऑन करना है एंड एचडीआर को जरूर से जरूर ऑन रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पे 24 FPS से लेकर 30 FPS एंड 60 FPS, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा आप 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करो, बहुत ज़्यादा मस्त देखने को मिलेगा, स्टेबिलेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा 60 FPS में, बट यहाँ पे 30 FPS बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो वहाँ पे सेम टू सेम आपको मोड देखने को मिलता है बाकी गूगल कैमरा तरह। एंड यहाँ पे आपको फोकस जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस वाले गूगल कैमरा जो मेन फीचर्स है, कलर क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगा, अदर गूगल कैमरा से बहुत ज़्यादा अलग है एंड फोकसिंग इसका बहुत ज़्यादा मस्त देखने को मिलेगा। तो मोर सेटिंग्स पे चलते हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे सेटिंग्स आपको तो ये देखने को मिलेगा अदर गूगल कैमरा की तरह। तो एडवांस सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे एक्टिव नेट जो HDR नेट है इसे आपको करना है एक्टिव, HDR नेट को एक्टिव करना है, साथ ही साथ HDR कंट्रोल, यहाँ पे फोकस ट्रैकिंग, इस तरह के ऑप्शन को अनेबल करना है जो जो मैं वीडियो पे अभी दिखा रहा हूँ। एंड और एक सेटिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, और ऊपर आपको कॉन्फिगरेशन पे क्लिक करना है, मॉडल को पिक्सल 7 प्रो में सेट करना है एंड कॉन्फिगर कैसे सेट करना है वो तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपका गूगल कैमरा रेडी हो चुका है फोटो एंड वीडियोग्राफी के लिए, आराम से फोटो एंड वीडियोग्राफी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी।